हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गया हूँ एक और नया व्लॉग लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपको इस चिलचिलाती गर्मी से निजात दिलवाने। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्नो मस्ती की, जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, दिल्ली के बिल्कुल पास है। और आप यहाँ पर बर्फ़ को एंजॉय कर सकते हैं और -12 डिग्री के टेम्परेचर में आप ठंड को महसूस कर सकते हैं। दोस्तों स्नो मस्ती ग्रेटर नोएडा के वेनिस मॉल में पड़ेगा और यहां से आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन परी चौक या नॉलेज पार्क 2 पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं टिकट प्राइसिंग की बात करूं तो 900 रुपये अडल्ट के होते हैं और 3 साल से छोटे बच्चों के 450 रुपये, जिसमें आपको कॉस्ट्यूम साथ ही मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सफ़र को और आपको बताते हैं स्नो मस्ती में आपको अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको इनकी एंट्री पॉइंट मिलेगी और यहां से एंट्री लेकर आप यहां से कॉस्ट्यूम ले सकते हैं। दोस्तों जिस तरह से यहां कॉस्ट्यूम और शूज आपको यहां मिलेंगे, आपको एहसास होने वाला है कि आप वाकई बर्फ में जाने वाले हैं। जिस तरह आप हम मनाली और शिमला में बर्फ का मजा लेते हैं कपड़े पहनकर, ऐसे ही आप यहां पर भी मजा लेने वाले हैं। तो ये दोस्तों इनका मेन पॉइंट है जहां से आपकी इस जगह से एंट्री होगी। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए अब हम अंदर चलते हैं और इस स्नो मस्ती के -12 डिग्री के टेम्परेचर वाले अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी और मौसम ऐसा लगेगा जैसे धुंध पड़ रही हो और लोग बाग आपको यहाँ बर्फ से खेलते नजर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं आपको यहाँ क्या क्या और देखने को मिलेगा। ये आपको इग्लू यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि जहाँ पर आपको बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर ऐसे इग्लू बने होते हैं जिसमें लोग बाग ठंड से बचने के लिए यहाँ पर अक्सर रहते हैं। दोस्तों ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ से आपको बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और कुछ इस तरह से आप एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं और बर्फ में आप और एंजॉय कर सकते हैं। और कुछ इस तरह की स्लाइड्स भी आपको यहां देखने को मिल जाएगी, जो आप इस तरह एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो वाटर पार्क में ही आपको सिर्फ स्लाइड देखने को मिलती है, जी नहीं, यहाँ भी आपको कुछ इस तरह अलग अलग तरह की स्लाइड्स देखने को मिलेंगी जिसको आप फुल्ली एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप डांस के शौकीन हैं तो कुछ इस तरह डांस को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा डांस हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्रिज भी दिखाई दे जाएगा जहाँ से जाकर आप टॉय ट्रेन को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आपको ब्रिज की सैर कराते हैं और आगे ऊपर दिखाते हैं आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है ऊपर से। दोस्तों इस ब्रिज को देखने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा लक्ष्मण झूला और राम झूला की याद आएगी, जो कि ऋषिकेश में आप अगर गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा। और थोड़ा थोड़ा ये झूला चलते हुए हिलता भी है, तो थोड़ा अगर आराम से ही जाएं इस पर से तो बेटर ही होगा। दोस्तों झूले से थोड़ा और आगे चलने पे आपको दिखेगी यहाँ टॉय ट्रेन। अगर आपने इसकी अलग से टिकट ली है तो आप इस टॉय ट्रेन को भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।